सो हाय गाइस, अब हम करेंगे लास्ट बुक डीजीसी 2। और जैसे जैसे इसके ब्लॉक खत्म होते जाएंगे, तुम्हारा कोर्स खत्म होता जाएगा, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं मन था सब पढ़ने का। बट टडा, डीजीसी 2, इसका टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसका ब्लॉक 1 है अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस। सो ये पूरी बुक डीजीसी 2 है, जो हम वैसे डीजीसी 1 और डीजीसी 3 है उसके रिगार्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने उसी सीक्वेंस में पढ़ाया है। बट सिंस हमने बाकी सारे कर लिए हैं, तो मे बी ये आपको थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सो ब्लॉक 1 इज अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस, जिसका यूनिट 1 है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड टाइप ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस क्या होता है? सो गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू गेन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन, सो दैट ही कैन एडजस्ट इन होम, स्कूल और एनवायरमेंट। और गाइडेंस बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी को गाइड करते हो, उसको समझाते हो कि आप ये काम कैसे कर सकते हो, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप, जैसे अगर आपका बच्चा रोड ट्रिप पे जा रहा है, तो आप उसको समझा रहे होते हो, गाइड कर रहे होते हो कि आप यहाँ से जाना, फिर यहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको पराठे वाला मिलेगा तो आप वहाँ से पराठे खा लेना, फिर आगे जाके आप रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो, फिर आगे जाके होटल्स आएंगे, वहाँ पे आप चेक इन कर सकते हो, फिर उसके बाद आप अगले दिन कहीं और जा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली यू गाइडिंग, जो आपको भी आपका बच्चा है या कोई भी इंसान जो इसको आप गाइड कर रहे हो। सो गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच का एक ही मेन जो डिफरेंस है वो ये भी है कि गाइडेंस आप प्रॉब्लम के पहले देते हो, ठीक है, इट इज प्री प्रॉब्लम। गाइड आप किसी को तभी कर सकते हो जब तक उसने उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं करा है, क्योंकि उसके बाद अगर आप गाइड करोगे तो कोई सेंस नहीं है ना। उसके बाद फिर अगर वो एक्सपीरियंस वो झेल चुका है, तो उससे वो टैकल कैसे करेगा, उसके लिए आप उसकी काउंसलिंग करते हो, ठीक है। सो इनिशियल लेवल पे आप पहले किसी को गाइड करोगे, और उसके बाद जब उसको नहीं समझ आएगा और वो एक्सपीरियंस वो झेल जाएगा, तो उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग करोगे कि उस एक्सपीरियंस से वो बाहर कैसे आए, ठीक है। सो गाइडेंस इज गिविंग ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन या एडवाइस जिस भी चीज के बारे में आप उनको गाइड कर रहे हो। और क्योंकि हम पढ़ाई के रिगार्ड में कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उसमें स्कूल गाइडेंस में एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस ही दोगे उनको, कि आप पढ़ाई के में क्या बेटर कर सकते हो और अपना जॉब के लिए आप कैसे बेटर ऑप्शन सर्च वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो यही सब हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ गाइडेंस? इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस एज इन जब आप स्कूल में होंगे तब आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपको फर्स्ट क्लास में गाइड करा, उसके बाद आपको 10th तक का आ गया है, ठीक है। और आपको ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ में गाइडेंस की जरूरत होती है, फ्रॉम इन्फेंसी, इन्फेंसी में तो खैर तुम कोई का ही गाइड करेगा, बट स्टिल मतलब जो आप समझने लग जाते हो, कम्युनिकेट करने लग जाते हो, तो वहीं से आपका, जब से आपका कम्युनिकेशन शुरू होता है तभी से आपकी गाइडेंस भी शुरू हो जाती है कि नो 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 नो, इसको नहीं खाना या इसको नहीं डालना मुंह में, और ये मिट्टी है, मिट्टी नहीं खाते, ये सब चॉकलेट खाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लास्ट स्टेज तक। और जो नेचर है इसका, वो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि इसी सब के बारे में हम मोस्टली गाइड करते हैं। जो भी यंगर है हमसे, हम उसको गाइड करते हैं, क्योंकि अगर कोई यंगर ओल्डर को गाइड करता है तो वो ये बोलते हैं कि बेटा बाप को नहीं सिखाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, तो मतलब एज और अकल का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई आपसे एज में बड़ा है तो उसको अकल ज़्यादा है। पहले होता था, और ये भी फैक्ट है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, बट रीजन भी वैलिड होना चाहिए ना। सिर्फ एज से नहीं होता है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, या फिर एज से ऐसे भी नहीं होता है कि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मतलब कुछ लोगों को 10 चोटों के बाद अकल आती है, कुछ को 1 के बाद आ जाती है, तो इससे आपका एज का भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्कोप इज आप कहाँ कहाँ पे गाइडेंस दे सकते हो या यूज कर सकते हो, गाइडेंस के मतलब जरूरत पड़ती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, जब आपको सोशल रिलेशन बनाने, अपना कैरेक्टर बनाना, अपना बिहेवियर मॉडिफाई करना है, या किसी को आपको सुझाव देना है कि आप अपना बिहेवियर कैसे शेप कर सकते हो टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जो हमने पढ़ा था ना बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो होता है सोसाइटी के लिए, उसके बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप गाइड कर सकते हो, एजुकेशनल एक्सपोजर कैसे कहाँ देना है, वोकेशनल चॉइस, आपका फ्यूचर आपको कहाँ सेट करना है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आपको बेटर मिलेंगी, जॉब प्लेसमेंट कहाँ पे अच्छी है, एकेडमिक प्रोग्रेस आप कैसे कर रहे हो, आपके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कहाँ पे जाके आप कौन सी फील्ड चूज कर सकते हो,
पर्सनल डेवलपमेंट में आपको आप कैसे अपने आप को और बेटर डेवलप कर सकते हो, कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हो. सो इस सब के बारे में आपको गाइडेंस मिलती है. ठीक है, बुक में काफी लोगों ने टाइप्स बता रखे हैं. तो ये जॉन एम ब्रेमर ने 10 टाइप बताए थे कि गाइडेंस कहाँ कहाँ पे हम दे सकते हैं. सो इसके टाइप्स हैं, एजुकेशनल गाइडेंस होती है, वोकेशनल गाइडेंस होती है, रिलीजियस गाइडेंस होती है, जो वही जो आपका जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म ये सब आपकी जो टीचिंग्स हैं वो आपको गाइड ही करते हैं. ठीक है, गाइडेंस फॉर होम रिलेशनशिप, घर में आप कैसे रिलेशन अच्छा रख सकते हो अपनी फैमिली के साथ में. गाइडेंस फॉर सिटीजनशिप, सिटीजन एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हो. गाइडेंस फॉर लेजर एंड रिक्रिएशन, खाली टाइम पे आप अपने आपको कैसे रिक्रिएट कर सकते हो, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. गाइडेंस इन पर्सनल वेलबींग, गाइडेंस इन राइट डूइंग, गाइडेंस इन थॉटफुलनेस एंड कोऑपरेशन, गाइडेंस इन होलसम एंड कल्चरल एक्शंस. ठीक है, सो जॉन एम ब्रमर के हिसाब से ये 10 एरियाज थे जहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और गाइडेंस यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होगी. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. ठीक है, सो इसमें हमने एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में पढ़ना है. तो एजुकेशनल गाइडेंस क्या होगा, जो हम एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ाई बेटर कर सकते हो. आप बच्चे का हम एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज वगैरह टेस्ट करते हैं, स्किल टेस्ट करते हैं, उसका एजुकेशनल जो उसका लेवल है या फिर जहाँ पे वो लैक कर रहा है वो सब देख के उसको हम पॉजिटिव तरीके से गाइड कैसे करें. जैसे एजुकेशनल गाइडेंस आपका हो गया कि बच्चा 10th में है और उसके बाद उसको नॉन मेड चूज करना चाहिए, आर्ट्स करना चाहिए चूज, या फिर कॉमर्स करना चाहिए. ठीक है, और वोकेशनल हो गया कि 12th के बाद में उसको ऐसा कौन सा कोर्स लेना चाहिए जिससे उसको जॉब में हेल्प मिले. ठीक है, सो फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज प्रोवाइड एजुकेशन एज पर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, कंपाइलिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट टू डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया पहले ही कि बच्चे का इंटरेस्ट, एबिलिटीज और रिसोर्सेज को ध्यान में रख के उसके एजुकेशन को हम मॉनिटर करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कहाँ पे फिट बैठ रहा है. जैसे कि अगर किसी बच्चे को IAS बनना है तो वो आर्ट्स चूज कर रहा है, या फिर अगर किसी को इवन CA बनना है तो वो कॉमर्स चूज कर रहा है. ठीक है, और अगर किसी को फाइन आर्ट्स में जाना है, किसी को ड्राइंग पसंद है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसको नॉन मेड दिलाना चाह रहे हैं तो वो नॉन मेड के थ्रू फाइन आर्ट्स में जाएगा. ठीक है, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. जिसको ड्राइंग पसंद है तो आर्ट्स लेके भी ड्राइंग कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. आपको सिर्फ डिग्री वो 10th और 12th में नॉर्मल मार्क्स चाहिए होते हैं. ठीक है, तो मतलब नॉर्मली होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि घर से एक इंजीनियर होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक आर्मी में जाना चाहिए. वो इस हिसाब से डिवाइड करते हैं बच्चे. ठीक है, और बच्चा ये चाहता है कि जिस क्लास में मेरा दोस्त गया है बिट्टू, उसी क्लास में मैं जाऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों का जो थिंकिंग है वो क्लैश करता है और इन दोनों में से ही दोनों का व्यू पॉइंट सही नहीं है. ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको बनना था आपने बन पाया, या फिर आपने अपने दोस्त का बच्चा बनते हुए देखा और आपको मन आपका बच्चा बने, ये कोई रीजन नहीं होता लॉजिकल. ठीक है, जो आपका बच्चा है, आपके बच्चे में जो क्वालिटीज हैं उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या बनेगा. ठीक है, अगर आपका बच्चा सही में अच्छा है मैथ्स या मतलब कॉमर्स साइड में तो आप उसको कॉमर्स दिलाओ ऑफकोर्स. अगर आपका बच्चा नॉन मेड साइड में अच्छा है आप उसको नॉन मेड दिलाओ. डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंसान पे और इसी के बेस पे हम उसको एजुकेशनल गाइडेंस में रखते हैं. ठीक है, स्कूल में बेसिकली एकदम बकवास गाइडेंस देते हैं जब वो हमको 10th के बाद में बोलते हैं कि आपको नॉन मेड चूज करना है या कॉमर्स चूज करना आर्ट्स. वो हमको 2 साल की जो पढ़ाई होती है उसको आधे घंटे में उसका एक ब्रीफ देते हैं जिसमें सिर्फ वो ये बोलते हैं कि बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. भाई कुछ मजा नहीं आ रहा होता है, दिमाग खराब होता है. इसी के बाद 10th के बाद सबका एकदम पैराबोला वाला ग्राफ बनता है, सीधा सारे के सारे नीचे आके गिरते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि क्या जा रहे हैं. ठीक है, मतलब कुछ बच्चों को ये तक नहीं पता होता है कि केमिस्ट्री उनको बोलना ही नहीं आता, वो केमिस्ट्री बोलते हैं. तो जब बच्चा केमिस्ट्री को ही नहीं मतलब समझ पा रहा है तो भाई साहब जो केमिस्ट्री में अंदर है वो कैसे समझेगा, ये भी तो देखो ना. फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. सो एजुकेशनल गाइडेंस होता है हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एम. ठीक है, तो इसीलिए गाइडेंस जरूरी है. मतलब ये चीजें कोई डिस्कस ही नहीं करता है स्कूल में कि गाइड करने की भी जरूरत पड़नी चाहिए. और एक्चुअली में ये सारी चीजें स्कूल में सिखानी चाहिए बट ये स्कूल में होती ही नहीं है, तभी बच्चा वो बड़े होके उसको चाउस चाउस बोलता रहता है
और वही केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलता रहता है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दिस इज हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एम. पता होना चाहिए बच्चे का एम क्या है. बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चे के पास में एक एम होना चाहिए. ऐसे नहीं कि जो उसका साइड वाला कर रहा है उसने भी वही करना है. गाइडिंग एज फार एज इंडिविजुअल्स लेवल, हर एक का लेवल ध्यान में रखकर उसको गाइड करना है. ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 रोल नंबर नॉन मेड में चले जाए बाकी के सारे कॉमर्स में. सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्रिएटिंग अ फेवरेबल एटमोसफेयर, हेल्प्स कल्टिवेटिंग सेल्फ डायरेक्शन, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर या फिर एटीट्यूड. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. सो प्रिंसिपल क्या होगा एजुकेशनल गाइडेंस का? मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आर्ट्स के बच्चे उनको आप गाइड नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो ईजी होता है. नॉन मेड वालों को हम ज्यादा गाइड करेंगे. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सबको इक्वल मिलना चाहिए गाइडेंस. मस्ट ट्राई टू प्रोवाइड इमीडिएट सॉल्यूशन. जो भी अगर बच्चों को प्रॉब्लम है, सो एजुकेशनल गाइडेंस का एम ये होना चाहिए कि जो बच्चा है उसको वो इमीडिएटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करे. ऐसा नहीं है कि उसको बोलो कि बेटा तुम एक साल वेट करो और एक साल में तो बच्चा एडजस्ट ही कर लेगा. ठीक है, सो मेरे हिसाब से तो एजुकेशनल गाइडेंस का एक वहां पे कॉर्नर होना चाहिए जहां पे अपार्ट फ्रॉम जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनके अलावा एक टीचर बैठना चाहिए वहां पे. वो तो काउंसलर का काम होना जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड गार्डियंस. काउंसलर्स को वैसे ये काम देते नहीं है क्योंकि उनको तो यही ठीक करना होता है कि जो बच्चा वहाँ पे लर्निंग डिसेबल्ड है उसको ठीक करो. तो ये चीजें भी होनी चाहिए कि जो काउंसलर है वो एक बार सेशन ले बच्चों का. क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड गार्डियंस ऑफकोर्स होना चाहिए. कंटिन्यूस स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का स्टडी का उनको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूसली कि स्टूडेंट्स का जो लेवल है किस लेवल पे चल रहा है. डाटा गैदरिंग, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट. ठीक है, सो बच्चों का जो लेवल है वो डाटा गैदर करके स्टैंडर्डाइज टेस्ट मेजर यूज करके आप निकाल सकते हो कि कौन से बच्चे कैसे हैं, एप्टीट्यूड बच्चों का कैसा चल रहा है, या किसी बच्चा कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर फील्ड में कैसा है, उनका IQ क्या है. और अगर किसी बच्चे का अभी तक लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो अब हो जाए तो वेल एंड गुड. ठीक है, सो दीज आर ऑल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. नाउ प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस क्या है? सबसे पहले इनिशियल डायलॉग, आप बातचीत करते हो. फिर प्राइमरी इंटरव्यू, आप इंटरव्यू लेते हो. इंटरव्यू से आप असेस करने की कोशिश करते हो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, एरियाज ऐसे कौन से जहां पे बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है. स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस, उसके वजह से आपको हेल्प मिलेगा बच्चे को बेटर समझने में. साइकोलॉजिकल टेस्ट लोगे आप जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि बच्चों का लेवल क्या चल रहा है और असल में वो क्या चाहते हैं. ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ पे प्राइमरी इंटरव्यू में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो बच्चों से क्वेश्चन पूछो उसका बच्चा ऑलरेडी जो उसके आगे जिससे क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर्स सुन के वो आपको सेम आंसर वही दे रहा है कि बेटा आपका नाम क्या है? बिट्टू. बट बेटा आपका नाम तो चिंटू है, पर क्योंकि पीछे वाले का नाम बिट्टू था तो इसलिए बिट्टू बोल रहा है. ठीक है, एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, हेल्थ एग्जामिनेशन, फाइनल इंटरव्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफाइल, सेमिनार, रिपोर्ट राइटिंग एंड फॉलोअप वर्क. ठीक है, सो ऐसे आपका जो एजुकेशनल गाइडेंस का प्रोसेस है वो चलेगा और इसके थ्रू आप लास्ट में ये असेस करके जज कर पाओगे कि कौन सा बच्चा किस फील्ड के लिए बेस्ट सूटेबल है. और जिसको वो करना भी है तब तो बल्ले बल्ले क्योंकि हम दोनों का मिल गया. बट अगर किसी का क्लैश होता है कि आपको लग रहा है कि बच्चा इस फील्ड में बेटर है बट बच्चे के पेरेंट्स उधर मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका काम हो गया एज एजुकेशनल काउंसलर कि आप उनकी काउंसलिंग करो और उनको दोबारा से समझाओ. ठीक है, समझ जाते तो बहुत बढ़िया, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो भाई फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि. तो नेक्स्ट इज वोकेशनल गाइडेंस. एंड वोकेशनल गाइडेंस इज असिस्टिंग स्टूडेंट्स इन सिलेक्शन ऑफ करिकुलम एंड वोकेशंस अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल मेंटल एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो बेसिकली ये एजुकेशनल का ही नेक्स्ट वर्जन होता है जिसमें आप उनको जॉब रिलेटेड चीजों में हेल्प करते हो, उनको उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हो. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टू असिस्ट एन इंडिविजुअल इन सिलेक्शन ऑफ वोकेशन, जो उसके इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी और एबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा. सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वोकेशन, टेक एडमिशन, अंडरस्टैंडिंग ओन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज एक्सेट्रा, पोटेंशियल, ऑप्टिमम लेवल. मतलब कि बच्चे का हमको पोटेंशियल चेक करना होगा कि उसको ऑप्टिमम लेवल पोटेंशियल कहाँ पे आ रहा है. जैसे कि ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा काफी चीजों में अच्छा है, मतलब वो बोलने में अच्छा है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी सही है, उसका ड्राइंग भी सही है. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किंग ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल होते हैं. सो ऐसे बच्चों को हमको काफी अच्छा काउंसलिंग करना पड़ता है क्योंकि अगर वो मिसलीड हो जाते हैं तो काफी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, फिर वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला सीन हो सकता है.
तो कोशिश ऐसे बच्चों के साथ में ये करनी चाहिए कि जहां पे उनका एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड वो रख पाए और सारी कंडीशंस मीट हो, वो जग उनके लिए हम ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। और बाकी उनको ऑप्शन भी दे सकते हैं कि यू कैन चूज आइदर वन और टू। ठीक है, एडॉप्ट अ प्रोफेशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन वोकेशनल लाइफ। ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है और एक तरह से प्रोसेस भी है कि आप उनको हेल्प करते हो चूज करने में, जहां पे वो ऑप्टिमम लेवल में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख पाए और उसके बाद में उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे। और उसके साथ में आगे अगर जो प्रॉब्लम्स आती है वोकेशनल लाइफ में तो आप उनको कैसे डील करोगे ये भी बताएंगे। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स क्या होंगे। सो इट इज क्लाइंट सेंटर्ड, जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो है गाइडेंस अवेलेबल विदाउट इंटरप्शन, गाइडेंस कवरिंग ऑल क्लाइंट्स, गाइडेंस इज क्लाइंट सेंटर्ड एंड गाइडेंस इज क्लाइंट्स चॉइस। ठीक है, फिर है पर्सनल सेंटर्ड प्रिंसिपल, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजिंग अवेलेबल इन्फो अबाउट क्लाइंट, कलेक्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड प्रिंसिपल होगा, अप टू डेट रिकॉर्ड्स, ऑफरिंग प्लेसमेंट सर्विसेज, मेकिंग प्रोविजंस। जर्नल पब्लिक सेंटर्ड प्रिंसिपल्स होंगे, मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, अप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ वर्क। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके प्रिंसिपल्स है कि मतलब आपको कैसे हेल्प करनी चाहिए अगले की उसको वोकेशनल गाइडेंस देने में, सेटअप करने में। ये उसके सिद्धांत है, मतलब बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच रखनी चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए आपका रिकॉर्ड। ऐसे नहीं कि आप बोलो कि अभी टीचिंग में तो बहुत स्कोप है, जबकि अभी टीचिंग में काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका हो रखा है, तो आपको अपना रिकॉर्ड अप टू डेट रखना होगा और पब्लिक ओपिनियंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा और आपको अप्रिशिएट भी करना है, क्रिटिसाइज भी करना है जो भी एक पर्टिकुलर काम है। मतलब आपको ट्रूथफुल रहना है, ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो बढ़िया 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 कर लो और बाद में अगले के लग गए। सो प्रोसेस क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल करोगे आप सबसे पहले। दो इसमें प्रोसेस है, डिवाइड कर रखा है प्रोसेस को, जो वोकेशनल गाइडेंस है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल। ठीक है, सो प्रोसेस में जब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आप उसका एजुकेशन देखोगे, देन उसकी ट्रेनिंग, देन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, हेल्थ प्लस फिजिकल डेवलपमेंट, नेचर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, जब आप ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल स्फीयर की बात करोगे तब सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल, मेंटल एबिलिटी, स्किल, ट्रेनिंग, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, सो दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, जो आपका प्रोसेस है इंडिविजुअल के बारे में जानोगे और जो ऑक्यूपेशनल जगह है उसके बारे में आप जानोगे और उसके हिसाब से आप उनको डिवाइड कर दोगे, ताकि हर एक का जो इंटरेस्ट है वो उसका जहां पे इंटरेस्ट और मेंटल एबिलिटी स्किल लेवल मैच कर रहा है वहां पे वो आप कांटा भिड़ा पाओ। ठीक है, योर यूनिट वन इज ओवर, यूनिट टू इज ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, करिकुलम गाइडेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, सो गाइडेंस के बेसिकली यही होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आप उनको करिकुलर लेवल पर गाइड कर पाओ, पर्सनल डेवलपमेंट कर पाओ और एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइड कर पाओ। ठीक है, इसको आपको और फैला के लिख के आना होगा, तो जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया वो आप उसमें लिख के आ जाना, 15 मार्क्स का अगर आ गया तो। ठीक है, एम गाइडेंस का क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सो एक्सटर्नल एम ऑफ गाइडेंस इज कॉपरेशन, इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरनल एम ऑफ गाइडेंस इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इनसाइट, सेल्फ डिसीजन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ओरिएंटेशन एंड आर्टिकुलेशन, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर, प्रिवेंशन, रेमेडी, रेफरिंग, फॉलो अप, मेकिंग पेरेंट्स अवेयर ऑफ नीड फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन और आर्टिकुलेशन मतलब कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, सो ये बच्चे टीचर और पेरेंट्स के साथ में होता है और इसमें उनके सामने हम उनको अवेयर कराते हैं कि जो आपका गाइडेंस का जो प्रोग्राम है उसकी नीड क्या है और उसमें आप प्रिवेंशन के बारे में बताते हो, रेमेडी के बारे में बताते हो, रेफरिंग की क्या क्या कर सकते हो और फॉलोअप के बारे में बात करते हो। ठीक है, मजा ही आ गई होगा तुमको क्योंकि तुम्हारी यूनिट टू खत्म हो गई है। लास्ट यूनिट थ्री इज टीचर्स एज गाइडेंस फंक्शनरी, एसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर एज अ गाइडेंस गिवर फंक्शनरी, सिंपैथेटिक एंड ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, हाईली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट, चेयरफुल एंड कॉपरेटिव, एबल टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिवनेस ऑफ इंटरेस्ट, फार साइटेडनेस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोलाइटनेस, ब्रॉड नॉलेज एंड अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्लासरूम एंड कंडीशंस।
सो जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, सबसे तगड़ी बात है, अगर एक टीचर को जो गाइडेंस फंक्शनरी होना चाहिए उसका ये है कि आपके पास में एक चुंबक होनी चाहिए या फिर आपके पास में वो जेड वाला पाउडर होना चाहिए क्योंकि उसमें मैग्नेटिक लिखा होता है शायद। उसके अलावा बाकी सारी वही चीजें यार कि तुमको एम्पैथेटिक टाइप होना चाहिए तभी बच्चों को समझ पाओगे, सिंपैथी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ऑब्जर्व करने की शक्ति होनी चाहिए तुम्हारे पास में, और चेयरफुल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए कि बच्चा तुमको देख के अच्छी ना बोले, और आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि अगर बच्चा किस तरीके से अपनी बात रख रहा है और उसकी बात समझने के लिए आपके पास में उतना दिमाग या उतना एबिलिटी है या नहीं है, या फिर कि भाई क्या बोल के चला गया, ये दिमाग खराब कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको समझनी है, और ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड भी होना चाहिए आपको, ठीक है। स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड बाय द टीचर, आपको स्पेसिफिक नॉलेज की होनी चाहिए। एक तो आपको ऑफकोर्स फील्ड नॉलेज होनी चाहिए, आपको बच्चों को समझने की नॉलेज होनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी नॉलेज, अबाउट रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज कहाँ से आपको कैसे गैदर हो सकता है, जैसे कि कुछ कुछ बच्चों का जो लोकेशन है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के उतने साधन नहीं है या उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप उनको एलोकेट कर सकते हो कि किस साइड में कौन सा रिसोर्स आपको बेटर मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच स्टूडेंट एंड नॉलेज अबाउट द गाइडेंस एंड करिकुलम, सॉरी गाइडेंस एंड ये क्या है जी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। सो ये सारे आपके स्पेसिफिक नॉलेज है विच आर रिक्वायर्ड बाय टीचर इफ शी वॉन्ट्स टू बी द गाइडेंस फंक्शनरी, और साथ में एक चुंबक। और मस्त मजे आए कि यूनिट 3 इज ऑल्सो ओवर, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 2। बाय।